और सर इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो कितने होने वाली है, प्राइस जो है? ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10,000 का ऑफर वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। देख सकते हैं काफी क्लीन यहाँ पे इंजन मिल जाता है, जो कि एडवांस के सीरीज की इंजन है, और काफी क्लीन यहाँ पे इंजन आपको देखने को मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से आने वाले स्विफ्ट 2023 VXI वेरिएंट की। आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, बताने वाले जैसे इसकी प्राइस, माइलेज, कीमत और फाइनेंस वगैरह की तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन निकल के आता है काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिलता है। और देख सकते हैं सामने तरफ आपको मिल जाता है विंडशील, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी यहाँ पे विंडशील मिल जाती है। उसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे दो वाइपर, और दोनों ही साइड आपको ORVM देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे तरफ आपको मिल जाता है हाइलोजन बेस, यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिल जाता है, उसके साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाता है। और नीचे तरफ देख सकते हैं आपको इसमें फॉग लैंप देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। सामने तरफ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक क्रोम फिनिश में यहाँ पे एक डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है, और उसके साथ आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी का बैजिंग। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इसका लुक आता है देखने में, सामने की तरफ यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिल जाता है। और साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका साइड प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको अलॉय व्हील्स। ये जो वेरिएंट है ये VXI वेरिएंट है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। व्हील कैप यहाँ पे व्हील कवर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 165/80R14 इंच का यहाँ पे टायर देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे सिल्वर ब्लैक का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है सामने तरफ आपको क्लिपर देख सकते हैं यहाँ पे, डिस्क क्लिपर जो है यहाँ पे सिल्वर कलर का मिलता है, और पीछे तरफ आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे साइड प्रोफाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल टैंक, और इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं इस गाड़ी में, अगर आप चाहते हैं CNG वेरिएंट लेना तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। भाई अब बात करते हैं इसकी पीछे तरफ, देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे पीछे तरफ आपको मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रेक लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है हाई माउंट ब्रेक लाइट यहाँ पे मिलता है जो कि रेड कलर का आता है, और यहाँ पे एक विंड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है स्विफ्ट का बैजिंग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि क्रोम फिनिश में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर टेल लैंप और ब्रेक लैंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तरफ आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट को यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं नीचे तरफ आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है, और नीचे तरफ आपको मिल जाता है 2 सस्पेंशन, और आपको कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टोवे होप वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको बैक लुक देख सकते हैं, बैक का जो लुक है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आइए अब बात करते हैं ड्राइवर केबिन की तरफ, क्या क्या यहाँ पे मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉक का प्रोविजन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है इस गेट को खोलने के लिए। तो कुछ इस प्रकार का आप अपने गेट को खोल सकते हैं, काफी शानदार यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि स्पेस है काफी शानदार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप अपने गाड़ी में आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, और डोर पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है 4 पावर विंडो का यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं पावर विंडो वगैरह का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ORVM को यहाँ से आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने गेट को लॉक अनलॉक वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह मिल जाता है। तो आइए गेट को पहले सबसे पहले बंद कर लेते हैं, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं आपको पावर स्टेयरिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ आपको मिलता है सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, जो कि काफी शानदार यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे आपको हॉर्न वगैरह यहीं पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 यहाँ पे चाबियां देखने को मिल जाता है जो कि सेंटर लॉकिंग के साथ दोनों चाबियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गाड़ी को अपने स्टार्ट आप यहाँ पे लगा के जैसे गाड़ी और भी स्टार्ट होते हैं यहाँ पे भी लगा के आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने तरफ देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि यहाँ पे एनालॉग फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे गाड़ी का RPM वगैरह, और यहाँ से आप अपने स्पीडोमीटर का स्पीड वगैरह गाड़ी का देख सकते हैं, और ये अपने कितने किलोमीटर चले वगैरह जो भी है, मतलब यहाँ से आप अपने तमाम सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मोड्स वगैरह बटन्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल वगैरह मिल जाता है देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने वाइपर को चला सकते हैं। और यहाँ पे इस साइड में आपको मिल जाता है देख सकते हैं लाइट का और इंडिकेटर का यहाँ पे आपका प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप अपने लाइट को और इंडिकेटर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको मिल जाता है यहाँ से आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ
पे आप अपने ब्लूटूथ को कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पे बटन वगैरह दिया गया है। यहाँ से आप अपने साउंड को म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे आपको चारों डोर पे चार स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ आपको दो ट्विटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले एंड एप्पल कार प्ले भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं आपको एसी का कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, और चार आपको एसी वेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मिल जाता है हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने गाड़ी को कहीं भी खड़ा करके यहाँ पे रात वगैरह में, मतलब रात में कहीं भी खड़ा करते हैं तो यहाँ से आप अपने हैजर्ड लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है डे लाइट, मतलब IRVM यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है केबिन लाइट देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सनवाइजर देख सकते हैं, दोनों ही साइड आपको सनवाइजर यहाँ पे मिल जाता है। और बात करें इसमें सेफ्टी का, तो यहाँ पे आपको डुअल फ्रंट एयरबैग मिल जाता है, उसके साथ ABS और EBD भी मिल जाता है। इसमें ब्रेक असिस्टेंट सिस्टम मिलता है, ESP और हील होल्ड असिस्टेंट मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। और दोनों साइड देख सकते हैं सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह दिया गया है, नीचे आपको एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच का पैडल दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जो गियर आता है यहाँ पे, वही यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको पांच गियर और एक रिवर्स गियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है देख सकते हैं हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से आप अपने यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का DC चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है, अपने गाड़ी में आराम से अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्पेस वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाता है, जिसे आप पकड़ के आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और देख सकते हैं जो कि इसमें थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट काफी कंफर्टेबल है। सीट का भी बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा इसमें कुशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार का यहाँ पे तमाम सारी सुविधा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो आइए अब बात करते हैं पीछे तरफ और देखते हैं पीछे पैसेंजर की तरफ क्या क्या हमें यहाँ पे मिलता है देखने को और कैसा स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हैंडल वगैरह दिया गया है, जिससे आप अपने गेट को आराम से खोल सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे काफी अच्छा लेग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस आपको मिलता है। और यहाँ से आप अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, या ऊपर नीचे यहाँ से देख सकते हैं आराम से यहाँ से आप अपने कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कि यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे आप अपने दो तीन लोग आराम से यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हैंडल वगैरह मिल जाता है सेफ्टी के लिए देख सकते हैं, जो कि पकड़ के आप आराम से बैठ सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे हेडरूम भी इसका काफी अच्छा है। आइए अब बात करते हैं हम इस गाड़ी की इंजन की, और दिखाते हैं आपको इंजन और बताते हैं इसकी इंजन की तमाम सारी जानकारियां। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है 1197 CC का, जो कि एडवांस के सीरीज डुअल जेट और डुअल VVT इंजन है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और बात करें इसकी पावर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 66 किलोवाट का 66 किलोवाट का पावर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 6000 RPM पे आता है। बात करें हम इसकी टॉर्क की, तो यहाँ पे आपको 89.73 PS की टॉर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है 6000 RPM पे। देख सकते हैं काफी क्लीन यहाँ पे इंजन मिल जाता है, जो कि एडवांस के सीरीज की इंजन है, और काफी क्लीन यहाँ पे इंजन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए अब सर से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सर अभिषेक श्रीवास्तव। ओके सर, तो इस ये कौन सा वेरिएंट है सर अभी? सर इस शूट है BXI सेकंड। ओके ओके, और सर इस की जो ऑन रोड कीमत है वो कितने होने वाली है? प्राइस जो है 8,11,000 की। और इसमें ऑफर वगैरह? 10,000 का ऑफर है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10,000 का ऑफर वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। और सर अगर चाहें इस गाड़ी को फाइनेंस वगैरह कराने का, तो सर कैसे होगा वो? बिल्कुल सर, ये जो 8 लाख हमारा ऑन रोड प्राइस है, 80-85% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑन रोड पे हो जाएगी। ओके ओके, इससे हमको पेमेंट जो है 1,25,000 देना पड़ेगा। ओके, और सर अगर चाहे कोई मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो कैसे मतलब करा सकते हैं? प्राइवेट के लिए सर क्या होगा, जब शोरूम का हम 80-85% तक करवा देंगे, इसके अकॉर्डिंग कस्टमर को 1.5-2 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और आप अपने गाड़ी को आराम से फाइनेंस करा सकते हैं। और यहाँ पे सर गारंटी वगैरह कुछ मतलब मिलता है इसमें? 1,00,000 किलोमीटर 5 साल की वारंटी रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1,00,000 किलोमीटर और 5 साल की वारंटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और फ्री सर्विस वगैरह भी कुछ है सर यहाँ पे? सर्विसिंग सर 1 साल की रहती है, जिसमें आपको 3 सर्विस फ्री मिलती है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल की सर्विसिंग में आपको फ्री मिलती है, जिसमें आप 3 सर्विस फ्री मिलते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए होती है। देख सकते हैं आपको तमाम सारी जानकारियाँ हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल चुका होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।